तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये मेरा फर्स्ट वेबकैम वीडियो है। तो आज इस वीडियो में आपको सिंपल कार एनिमेशन पावर पॉइंट में कैसे करते हैं, आपको कोई नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के नहीं है, आप अपने पीसी लैपटॉप जो भी हो सिंपल पावर पॉइंट जो रहता है माइक्रोसॉफ्ट का वहाँ पर इजी फ्री में कर सकते हैं एनिमेशन, क्योंकि एनिमेशन कुछ रियलिस्टिक लुक देता है पावर पॉइंट को। मैं आपको पहले ही मैंने एक एनिमेशन किया है, आपको ये करके दिखाऊंगा, पूरा डिटेल में बताऊँ कैसे करना है। तब देख सकते हैं मिस्टर बिन का कार ये रोड से उधर कुछ रियलिस्टिक लग रहा है ना, मतलब टायर घूम रहे हैं, आप देख सकते हैं ध्यान से देखिए टायर घूम रहे हैं, तो कुछ रियलिस्टिक फील है रोड के ऊपर। तो ऐसा एनिमेशन कैसे करते हैं पावर पॉइंट में बिल्कुल फ्री, तो आज इस वीडियो में आपको यही सिखाऊंगा कि ऐसे एनिमेशन कैसे करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पावर पॉइंट जो सिंपल है, कोई एनिमेशन का सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए आपको, सिंपली जो माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट है उसके अंदर ऐसे एनिमेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो आपको जो कार का एनिमेशन करना हो कार डाउनलोड करना पड़ेगा, कोई भी कार से नहीं कर सकते आपको, उसके लिए सेपरेट एक वेबसाइट में जाना पड़ेगा जो फ्री इमेजेस यूज कर सकते नॉन कॉपीराइट। उसके लिए आपको पिक्साबल का एक वेबसाइट रहता है, आप देख सकते हैं पर आया है पिक्साबे, एंटर करूँगा यहाँ पर। फर्स्ट जो पिक्साबे 2.2 मिलियन प्लस रनिंग फ्री इमेजेस एंड टू यूज एनीवेयर, मतलब नॉन कॉपीराइटेड इमेजेस, तो आप किसको भी शेयर कर सकते हैं, आप कोई भी अपने बिजनेस अपने यूट्यूब कहीं भी डाल सकते हैं जो एनिमेशन आप करते हैं। तो इसके लिए हम कोई कॉपीराइट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर वेक्टर्स टॉप लेफ्ट में जो आप देख सकते हैं कि वेक्टर्स को भी कॉपीराइट की पसंद की है, तो बस रनिंग फ्री वेक्टर आर्ट स्टॉक इमेजेस। और यहाँ पर जो राइट है ये वेक्टर ग्राफिक्स रहना है गाइस, जो आप देख सकते हैं वेक्टर ग्राफिक्स ये ऑप्शन चूज करना है आपको। फिर बाद में पर कार को एंटर करना है कार के इमेजेस के लिए, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे कार्स आ गए, कोई भी चूज कर सकते हैं इसमें बड़े बड़े कार से, कौन सा एनिमेशन आपको कौन करना है ऐसे कर सकते हैं। मैं आपके सिंपल एक मिस्टर बीन का कार कैसे बताऊंगा, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा मिस्टर बीन का कार सिमिलर है रुके, तो मैं इसको डाउनलोड करके यहाँ पर टॉप राइट में देख सकती हूँ फ्री डाउनलोड, इसको फ्री में करके यहाँ पर फोर ऑप्शन आते हैं, तो इसमें वेक्टर ग्राफिक बुक के जो लास्ट ऑप्शन है उसका बाद में डाउनलोड किया, डाउनलोड डाउनलोड स्टार्ट हुआ है आप देख सकते हैं लेफ्ट में यहाँ पर। तो डाउनलोड अब जो है वो फॉर्मेट है SVG फॉर्मेट में है गए, तो जो आप इमेज है SVG फॉर्मेट में आपको वो WMF फॉर्मेट है, तो उसके लिए आप क्या करना है कि वेबसाइट है क्लाउड कन्वर्ट में, क्लाउड कन्वर्ट आप देख सकते हैं ये वेबसाइट में जो आप देख सकते हैं कि क्लाउड कन्वर्ट में आप एक फॉर्मेट से एक फॉर्मेट इमेज कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बाद में क्लाउड कन्वर्ट कर सकता था आप देख फर्स्ट लिंक cloudconvert.com उसके बाद क्लिक कीजिए, तो आपको उसको कैसे इंटरफेस आएगा फर्स्ट लिंक जब आप कहते हैं यहाँ पर सेलेक्ट फाइल लाना है। तो रिसेंटली आप जो डाउनलोड किए थे कार को स्टर्फिन का मैंने डाउनलोड किया था, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो इमेज आप डाउनलोड किया था SVG फॉर्मेट में है, देख सकते हैं यहाँ पर SVG फॉर्मेट में है, तो हमको ये WMF फॉर्मेट में चाहिए, इसको वजह से हम क्या करेंगे सिंपल यहाँ पर कन्वर्ट ऑप्शन में क्लिक करके हमको WMF फॉर्मेट में चाहिए, तो यहाँ पर आप WMF क्लिक करेंगे, उसके बाद में पर कन्वर्ट लगाएंगे। तो वो क्या WMF फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, हम डाउनलोड कर सकते हैं सिंपल डाउनलोड क्लिक करके, तो डाउनलोड शुरू हो गया। बाद में इसको मैं ओपन करूँगा हम बस स्वयं पूरा की ऑप्शन आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं और पिक कर लूँगा, फिर बाद में सारे क्लोज कर लूँगा। तो आपको क्या जो इमेज का कॉपी करने के बाद आपको सिंपली अपने पावर पॉइंट में जाना है, सबसे पहले आपको आपके लिए नया बनाऊंगा प्रेजेंटेशन, ये स्लाइड मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक ब्लैंक स्लाइड चाहिए, तो वैसे मैं ब्लैंक ऐड कर लूँगा, ब्लैंक ऐड है तो मैं अब यहाँ पर पेस्ट कर लूँगा। अब देख सकते हैं कि मिस्टर बीन का कार आ चुका है, तो इसके लिए हम थोड़ा एडिट भी कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली इसका एनिमेशन थोड़ा वाइट कलर पर मिस्टर बीन कार सूट नहीं करता। सबसे पहले जब आप इमेज पेस्ट करते हो तो इसको मूव कर सकते हैं किधर भी, लेफ्ट राइट किधर भी आपको कहाँ प्लेस करना आप प्लेस कर सकते हैं, तो फिर बाद में इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए कार के ऊपर, तो वहाँ पर एक ग्रुप का ऑप्शन आएगा, उसके अंदर आप जाइए अनग्रुप दबाइए,
आपको कुछ लोग वार्निंग आ जाएगा कि द डू यू वांट टू कैन नॉट डिटर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ड्राइंग ऑब्जेक्ट, तो सिंपली यस कीजिए। उसके बाद में फिर से और एक बार इस कार के ऊपर राइट क्लिक कीजिए। अब हमको तो ये बॉक्स नहीं चाहिए, मैं डिलीट कर दूँगा। हमको कार से बैकग्राउंड नहीं चाहिए। फिर से मैं कार के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, फिर ग्रुप में जाऊँगा, अनग्रुप दबाऊँगा। तो कार का पूरे पार्ट, हर एक पार्ट अनग्रुप हो चुका है। ये सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है कार को अनग्रुप करना है गाइस। फिर बाद में अब नेक्स्ट ध्यान से सुनिए गाइस। अब हम पूरा कार को सेलेक्ट करते हैं। ओके अब पूरा कार सेलेक्ट हो चुका है। अब हमको जो व्हील्स है ना, हमको व्हील सेपरेट चाहिए, मतलब हम कार के साथ नहीं चाहिए व्हील। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ व्हील्स को सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले। तो व्हील सेलेक्ट हो गया, आप क्या करना है, वो कंट्रोल जी दबाना है। तो हम कंट्रोल जी दबाते हैं तो आप देख सकते हैं कि व्हील सेपरेट मूव हो रहा है कार के से। तो मैं इसको वापस रखूँगा। सिमिलरली आपको वही स्टेप पीछे व्हील को करना है। तो व्हील सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल जी दबाए, तो बाद में लेफ्ट क्लिक करें तो आप देख सकते कि व्हील डिफरेंट हो चुका है। मैं इसको वापस प्लेस ऐसे ही कर दूँगा। तो अब व्हील सेपरेट हो जाएगा, सब कार एक ही है। अब हमको क्या करना है, जो कार है ना, जो पूरा अब एक अनग्रुप फॉर्मेट में, आप देख सकते हैं कि डोर यहाँ पर है, डोर को सेपरेट चूज कर सकते हैं, आई कप बोनट, आई विंडो, अब कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं विंडो का कलर चेंज करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं ब्लैक डाल इसको, विंडो का कलर, तो कार का विंडो कलर ब्लैक। बाद में अगर टायर का कलर चेंज करना है आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको कौन सा पसंद है, मुझे ब्लैक ही अच्छा है, ब्लैक जो पहले था वही अच्छा है। बाद अगर मैं कार का बॉडी का कलर चेंज करूँ तो मिस्टर बीन कार का ग्रीन रहता है। हाँ ये एग्जैक्ट है, मिस्टर बीन का ग्रीन, इधर है भाई ग्रीन। हाँ ये बाद में पूरा बॉडी को ग्रीन करता हूँ, एग्जैक्टली एग्जैक्ट मिस्टर बीन याद आ जाएगा। आप देख सकते हैं, आप म्यूजिक पे करूँगा आपके लिए मिस्टर बीन। सारे प्रकार कलर को मैं यूज कर लूंगा, ग्रीन कलर मिस्टर बीन, मजा आएगा। क्या कॉमेडी करता है यार बंदा, ग्रीन मैं पूरे कार को ग्रीन कर दूंगा। कुछ मजा पीछे का विंडो ब्लैक, अब तो एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट मिस्टर बीन का कार लग रहा है ना। हाँ सही है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो आप सबको अब डिफरेंट डिफरेंट अब चूज कर लिए, सब मतलब सारे कार का बॉडी अनग्रुप हो चुका है। अब हमको क्या करना है गाइस, हमको कार का बॉडी ऐसे पिक्चर चाहिए। वो कैसे कर सकते हैं, सिंपली आपको ऐसे कार को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब देख सकते हैं पूरा कार एक छोटे 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 अनग्रुप हो चुका है। आपको आप शिफ्ट पकड़ना है, व्हील को सेलेक्ट कीजिए, सेकेंड व्हील को सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल एक्स दबाए, तो आप देख सकते हैं कि कार गायब, कार डिलीट हो चुका है। अब हम क्या करना है, अब हमको कार एज अ पिक्चर चाहिए। तब हमको क्या करना है, सिंपली राइट क्लिक कीजिए, एज अ सेकेंड ऑप्शन द पेस्ट एज अ पिक्चर बोल के, पिक्चर यू बोल के आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पिक्चर यू, मुझे हम एज अ पेस्ट एज अ पिक्चर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पूरा कार एक फुल पिक्चर हो चुका है, मतलब हर एक बॉडी पार्ट सेपरेट नहीं है, पूरा कार को हम मूव कर सकते हैं। फिर बाद में आप देख सकते हैं कि टायर पीछे हो गया और एक कार आगे आ गया। अब हमको टायर आगे चाहिए, मतलब आप देख सकते हो टायर कवर हो जा रहा है। इसके लिए मैं सिंपली कार को मूव बैक करूँगा, नंबर 22 बैक है। अब देख सकती हूँ अब कार का व्हील्स आगे आ चुके हैं, तो ये कुछ सही पोजीशन है कार का मुझे लग रहा है। हाँ ये सही है, तो अब कार सही हो गया गाइस। हमको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, फिर से पूरा अब हमको ये कार को थोड़ा छोटा करना है। अगर आप ऐसे छोटा करेंगे तो देख सकते हैं कि कार दूसरा है, व्हील दूसरा है, हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको फुल कार है तो होल चाहिए। उसके लिए पहले हम पूरे टायर्स और कार्स को ग्रुप करना पड़ेगा। सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, फिर बाद में ग्रुप कीजिए। तो अब ग्रुप करते हैं तब देख सकते हैं कि टायर के साथ कार भी मूव हो रहा है। मैं इसको ग्रुप करके थोड़ा स्मॉल करूँगा, जैसा सूटेबल लगी उतना स्मॉल कर सकते हैं। इतना अच्छा है क्योंकि इतना बड़ा, इतना छोटा स्क्रीन में कार इतना बड़ा रहे तो ठीक नहीं होगा, इसलिए इतना छोटा कार अच्छा है। अब हमको सिंपली क्या करना है गाइस, आपका टायर भी ग्रुप हो चुका है इसके साथ। अब हमको टायर का एनिमेशन करना है, इसको दूसरा एनिमेशन करना है। हमको क्या करना है, मतलब
कार्ड को सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट दबाएं, अब हमको कार का एनिमेशन चाहिए ना, तो उसके लिए हमको सिंपली यहाँ पर एनिमेशन में जाना है। कार को सेलेक्ट कीजिए, एनिमेशन में जाना है, एनिमेशन पेन ओपन करें तो ऐसा कुछ बार ओपन हो जाएगा। फिर बाद में पर छोटे छोटे नीचे आइकन करके मोशन पाच में लाइंस, तो आप देख सकते हैं कि कार अब नीचे जा रहा है लेकिन हमको लेफ्ट में चाहिए। ये डिफॉल्ट पोजिशन है माइक्रोसॉफ्ट जो पावर पॉइंट का, उसके अलावा नीचे जाएगा। तो आप चेंज कर सकते हैं इफेक्ट ऑप्शन लेफ्ट, तो कार अब लेफ्ट में जाएगा, लेकिन कुछ रियलिस्टिक नहीं लग रहा क्योंकि टायर नहीं घूम रहा है। कार जा रहा है आगे नहीं जा रहा, हमको ये पूरा मूव होना चाहिए मूव करने के लिए। इसके लिए क्या करेंगे, ये जो टायर का आरमर दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट दबाना है, फिर बाद में टायर को इधर मूव करूंगा, फिर बाद में ये टायर को भी मैं यहाँ पर मूव कर दूंगा। तो ये सही है, तो इसको मैं एनिमेशन आ रहा प्ले करके बताता हूँ। आप देख सकते हैं कि कार आगे मूव हो रहा है लेकिन कुछ रियलिस्टिक नहीं लग रहा, फुल एंड तक जा रहा है कार लेकिन कुछ रियलिस्टिक नहीं लग रहा क्योंकि टायर ऐसा घूमना चाहिए तभी कार ऐसे मूवमेंट का अलग अच्छा लगता है। आप देख सकते कि टायर नहीं हिल रहा, टायर तो कॉन्स्टेंट है, बस वो टायर का एनिमेशन डालना है। उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, जो टायर है उसको सेलेक्ट करना है, पकड़ के पीछे का टायर सेलेक्ट कीजिए। बाद में आपको यहाँ पर ऐड एनिमेशन वाले एक ऑप्शन, ऐड एनिमेशन क्लिक करें तो यहाँ पर स्पिन वाले एक ऑप्शन, तो आप देख सकते हैं टायर घूम रहा है लेकिन कुछ रिवर्स में घूम रहा है। आपको मैं दिखाऊं, ये टायर जो है वो रिवर्स में घूम रहा है लेकिन आगे नहीं घूम रहा। हाँ यहाँ पर है काउंटर का कुछ, मैं ऐसे घूमूंगा तो आप देख सकते हैं कार ऐसे मूव हो रहा है। बम को प्ले ऑल करूंगा, आप देख सकते हैं कार ऐसे मूव हो रहा है, अब एनिमेशन कुछ ठीक आ गया है फाइनली। फिर बाद में आपको पीछे का बैकग्राउंड वो सब चेंज कर सकते हैं आप, तो अगर मैं आपको बता दूं ऐसे रहने चाहिए तो यहाँ से एक बैकग्राउंड चूज करूँगा PNG फॉर्मेट में, मेरे पास ऑलरेडी फाइल्स में हो सकता है गाइस, मैं पहले डाउनलोड कर दिया था एक बार, मुझे नहीं पता कि किधर गया हुआ।
मिस्टर बीन का इफेक्ट जैसा। तो ये रहेगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज ऑल आई नीड टू शो यू।